हेलो एवरीबॉडी, मैं अनिल, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस पोटली में। आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें देखिए, नियंत्रण और समन्वय का जो इतिहास है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे इसका हिस्ट्री, इतिहास। सुश्रुत नाम के भारतीय चिकित्सक थे, लगभग 3000 वर्ष पहले। इन्होंने बताया शरीर के कार्यों में जो नियंत्रण होता है, बॉडी का जो वर्क होता है, नियंत्रण जो होता है कंप्लीटली मस्तिष्क या ब्रेन का ही भूमिका होता है। ब्रेन का ही भूमिका बॉडी के अंगों को चलाने में मदद करता है, ये बताया सुश्रुत ने। ये इंडियन थे, भारतीय थे। दूसरा ये देखिए, गैलन। गैलन एक ग्रीक चिकित्सक थे, ये भी डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। इन्होंने बताया संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण, संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। साथ में मेरुरज्जु जो होता है वो हेल्प करता है। मेरुरज्जु जो कि आपके ब्रेन से ही पीछे से निकलता है, रस्सी के रूप में, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के बीच में धंसा रहता है। उसके बाद देखिए, स्वान थे, जर्मन वैज्ञानिक। माइलिन भित्ति में कोशिकाओं की खोज की, माइलिन भित्ति में कोशिकाओं की खोज की और उसे स्वान कोशिका नाम दिया, अपना ही नाम दे दिया। माइलिन भित्ति कहाँ पाया जाता है? माइलिन भित्ति पाया जाता है तंत्रिका कोशिका में, एक्सॉन के बाहर। एक्सॉन उसके अंदर लगा होता है रस्सी ऐसे, उसके ऊपर अंडे का शेप का या गोलाकार शेप का ये भित्ति लगा होता है, जो कि फैट सेल और प्रोटीन सेल का बना होता है। अगला देखते हैं, कैमिलो गाल्जी, बहुत बड़ा नाम इतिहास में, रमन का जाल। इन्हें तंत्रिकाओं के विवरण के लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्व सेल, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों को संयुक्त रूप से, कैमिलो गाल्जी और रमन का जाल को 1906 में नोबेल पुरस्कार। इसको आपको याद रखना है, तंत्रिकाओं के विवरण के लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्व सेल। देन सबसे पहले नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर किसने दिया, ये प्रश्न आता है। तो ये है हीरोक्लेस। हीरोक्लेस ने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया नर्वस सिस्टम का। ये थी तंत्रिका कोशिका की खोज के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब आइए देखते हैं सामान्य जानकारी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हम जब खाना खाते हैं, खाना खाते समय जब हम खाना को निगलते हैं गले के पास से, अंदर आहार नाल में जाने के लिए निगला जाता है जब खाने को, तो आपने महसूस किया होगा या आप महसूस करेंगे अब की बार जब आप खाना खाएंगे, तो आपका सांस कुछ सेकंड के सवे हिस्से के बराबर सांस आपका रुक जाता है। आप उस समय सांस नहीं ले रहे होते हैं। आप ध्यान देंगे, अब की बार पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, तो आपका सांस कुछ समय के लिए रुक जाता है। रुकता इसलिए है क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता, रुक जाता है। अगर वहां सांस नहीं रुकेगा या हमारा ध्यान खाते समय इधर उधर रहता है, तो हम अटक जाते हैं खाने को, या खाना स्टक हो जाता है और हमें जोरदार खांसी आती है। तो ये होता है क्योंकि श्वास नली में हल्का फुल्का खाने का कण चला जाता है, तो उसको रिएक्ट करके वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए हमें जोरदार खांसी आती है और खाने का बारीक कण जो फंसा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे बॉडी में जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे रक्त का परिसंचरण हो, चाहे पाचन हो, चाहे अब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सक्रेशन हो, उत्सर्जन हो, कुछ भी हो, सारी क्रियाओं में तालमेल और नियंत्रण दोनों ही बहुत जरूरी है। और ये सारा जो नियंत्रण और तालमेल हो रहा है, सामंजस्य हो रहा है, समन्वय हो रहा है, ये सारा चीज लगभग 50-70% दिमाग से ही हो रहा है नियंत्रण। और दिमाग में ऐसा क्या चीज है जिससे नियंत्रण हो रहा है? तो दिमाग में हमारा क्या है, तंत्रिका कोशिका है जो कि उसको नियंत्रित करता है। उसमें एक करंट प्रवाहित होता है, विद्युतीय तरंगे प्रवाहित होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोला जाता है, जो कि न्यूरॉन के थ्रू प्रवाहित होती है। और देखते हैं, पौधों में छुई मुई की पत्तियां, जो कि छूने से स्वतः ही बंद हो जाती है। दूसरा ये कि कोई भी पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और इस बीच उसका स्टोमेटा खुल जाता है, रंध्र खुल जाता है। ये सारी क्रियाएं पौधों में पाई जाती है। पौधों में कोई विशेष तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, पौधों में केवल समन्वय होता है, कंट्रोल होता है उनमें पाए जाने वाले हार्मोन के कारण। और बात करें मनुष्यों के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो मनुष्यों के पास सुविकसित मस्तिष्क पाया जाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में बॉडी के सभी अंगों को नियंत्रित करते रहता है, और समय समय पर अंगों में नियंत्रण के लिए हार्मोन भी प्रवाहित होते रहते हैं रक्त के माध्यम से। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य में सूचनाओं का आदान प्रदान, मैसेज का आना जाना, ये सब
चीज तंत्रिका के होते हुए ही संभव हो सकता है, और तंत्रिकाओं का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला होता है, और यह प्रकृति से, वातावरण से तालमेल बिठा के शरीर की सारी जैविक क्रियाओं को करते हुए जीवन को कंप्लीट रूप से चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। तो आइए देखते हैं नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके भागों के विभिन्न कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नर्व सेल को बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। नर्व सेल को, यह तंत्रिका कोशिका को बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। इसका पहला मुख्य भाग है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, चित्र आ रहा है, डायग्राम आ रहा है, उसमें आप देखिए डेंड्राइड, पहला पार्ट है इसका डेंड्राइड। इसका कार्य है तंत्रिका कोशिका के सिरे पर होती है, ऊपर साइड देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, सिरे पर होती है और पेड़ के ब्रांच जैसे फैले रहते हैं, उसे डेंड्राइट कहते हैं। उसका कार्य है दूसरी तंत्रिका से, दूसरी नर्वस सिस्टम से जुड़ना। दूसरी तंत्रिका से जुड़कर मैसेज को आदान प्रदान करती है, सूचनाओं का आवागमन को कंटिन्यू करती है। दूसरा देखेंगे एक्सॉन, दूसरा है आपका एक्सॉन, ये है नर्वस सेल के बीच तार की तरह जुड़ा होता है, नर्व सेल के बीच तार की तरह जुड़ा होता है, चित्र में आप देखेंगे। और इसका कार्य है नर्व के अंतिम सिरे द्वारा भेजी सूचना को न्यूक्लियस या केंद्र तक पहुंचाना। मतलब ये भी क्या करती है, नर्व सेल के बीच तार की तरह जुड़ा होता है, लिंक होता है, और ये अंतिम सिरे तक फैला होता है, और ये सूचनाओं को एक नर्व से दूसरे नर्व में प्रसारित करने में सहायता करता है, ले आने में सहायता करता है, और इसे न्यूक्लियस तक पहुंचाने में सहायता करता है। तीसरा देखेंगे आप एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का ही अंतिम सिरा होता है एक्सॉन टर्मिनल। देखेंगे आप हैंडल की तरह दिखाई देता है, लास्ट पार्ट जस्ट माइलिन भित्ति के नीचे आप देखेंगे, फैला हुआ ब्रांच जैसा दिखाई दे रहा है नीचे तरफ, ये होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। इसका कार्य होता है दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का, और दूसरी तंत्रिका के संदेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। पूरे तंत्रिका तंत्र में, नर्व में यही काम है, सूचनाओं को लेना और सूचनाओं को देना। सूचनाएं एक रासायनिक संकेत के रूप में आती है, संदेश के रूप में आती है, जिसको ये ग्रहण करते हैं रिसेप्टर्स। अगला देखिए सेल बॉडी, सेल बॉडी आपको ऊपर तरफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऊपर तरफ देखिए डेंड्राइड लगा हुआ है उस पर, उसको बोलते हैं सेल बॉडी, आल्सो नोन एज सोमा। सेल बॉडी को सोमा के नाम से भी जाना जाता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन युक्त होते हैं और ये मेंटेनेंस करते हैं किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन युक्त होते हैं और ये मेंटेनेंस किसको करते हैं, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करते हैं, ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, टूट फूट से बचाते हैं। अब प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती है सूचनाओं के दौरान, उसमें ये एनर्जी को स्टोर करती है, एनर्जी देने का काम करती है न्यूरॉन्स को। देन फाइव, पांचवा है आपका नर्व सेल न्यूक्लियस, नर्व सेल न्यूक्लियस जो इसमें केंद्रक पाया जाता है, ऊपर तो देखिए आप, ये आपका सेल बॉडी के अंदर एक केंद्रक होगा, केंद्रक में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस और द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल युक्त होते हैं। दे द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल, न्यूक्लियस आर द क्रोमोसोम्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। कार्य क्या होता है, इट्स कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ये क्रोमोसोम आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगला देखिए नोड ऑफ रनवायर, गैप ऑफ माइलिन शीथ सिग्नल जम्प्ड अलोंग द एक्सॉन। माइलिन शीथ की वजह से देखिए आप, एक गैप होगा, नॉट जस्ट दिखाई दे रहा होगा, गांठ जैसे दिखाई दे रहा होगा चित्र में, देखिए ये गांठ ही आपको क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवायर कहलाता है। ये क्या करता है, सिग्नल को जंप कराता है, जिससे क्या होता है, संदेश जो होता है, सूचना जो होता है, बहुत तेजी से जंप करता है। इसका यही काम है, सिग्नल को जंप कराना, सूचनाओं को जंप कराना एक नर्व से दूसरे नर्व में। उसके बाद है स्वान सेल, स्वान सेल क्या होता है, मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ द मोटर, मेंटेनेंस करता है ये और रीजनरेशन करता है मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन का, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन का, किसका, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। क्या करता है ये स्वान सेल, क्या करता है, मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ द मोटर सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, सप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू इंडिविजुअल नर्व फाइबर। एक्सॉन को क्या करता है, इंडिविजुअल नर्व फाइबर क्या करता है, ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट एक्सॉन को। आठवां देखिए साइनेप्स, आठवां है आपका साइनेप्स, ये क्या है, द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ ग्लैंड और मसल सेल्स। द साइट ऑफ ट्रांसमिशन,
कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है? इलेक्ट्रिक नर्व में आपका इंपल्स कहाँ जा रहा है? बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड या मसल्स। न्यूरॉन से ग्लैंड या मसल्स में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक इंपल्स से करंट जा रहा है। उस जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्स क्या होता है? एक प्रकार से आपका नर्व सेल का अंतिम सिरा होता है, जो कि एक बटन जैसा, गांठ जैसा होता है, जो कि ग्लैंड या मसल से जुड़ा होता है। वो क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, और ये करंट को पूरी तरह से वहां फ्लो करता है और कैच करता है, सूचनाओं को रिसीव करता है, और जाके तत्काल झटके के साथ, तेजी के साथ एक्सॉन माइलिन भित्ति से बहते हुए सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचता है। उसके बाद आपको जानकारी मिलती है मेरुरज्जु के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है सूचना, फिर आप उसका तत्काल रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये था आपका तंत्रिका तंत्र। तो ये था हमारा आज का क्लास लाइफ प्रोसेस से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों को, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।